हेलो एवरीबॉडी, इस चैनल में आप सभी को हार्दिक स्वागत है एक नए प्रोडक्ट रिव्यू के साथ। चिंचांग नमस्ते सलाम अलैकुम। तो चलिए दोस्तों है शुरू करते हैं आज के एक नए प्रोडक्ट रिव्यू। तो मैं इस प्रोडक्ट रिव्यू में मैं आपको बताऊंगा इस ब्रांड क्या है। ये बिस्किट है, देखिए ये कुकीज़ है, जो भी है बिस्किट कुकीज वट एवर यू से। तो ये जो बिस फार्म का ज़ीरा वंडर है, ये इसलिए मैं प्रोडक्ट रिव्यू कर रहा हूँ। किसी ने मुझे दिया ये प्रोडक्ट, थोड़ा सा खाओ, थोड़ा सा खा के ये प्रोडक्ट रिव्यू दे दो, थोड़ा सा फीडबैक दे दो ये अच्छा है कि नहीं। और मैं आपको लोगों को शेयर करूँगा, फीडबैक ही दूँगा, प्राइस भी बताऊँगा और इसको खाना चाहिए कि ना खाना चाहिए वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो पहले मैं ये बता देता हूँ, ये कुकीज़ है, बिस्किट भी कह सकते हो। बिस्किट थोड़ा सा हार्ड होता है, क्रंची भी, और ये थोड़ा सा नरम सा है, ये इसको कहते हैं कुकीज़। और ये मैदा से बनता है और इसको फ्राई किया जाता है एडिबल ऑयल यानी सोयाबीन ऑयल से फ्राई किया जाता है, इसलिए इसके ऊपर स्टिकीनेस नहीं रहता। और ये बिस फार्म का कंपनी का है, जो कि आप खुद देख लीजिए, बिस फार्म का कंपनी है, ये वेस्ट बंगाल बेस्ड कंपनी है। और ये कंपनी कुछ साल से ये सबको कॉम्पिटिशन में डाल दिया है, जैसे कि ब्रिटानिया है, पार्ले है, इस कंपनी लोगों को देखिए कंपनी लोगों को कंपटीशन में डाल दिया। ये वेस्ट से आता है, ये ईस्ट से आता है और वेस्ट लोगों को कंपटीशन में डाल दिया। देखिए सोच के देखिए। तो मैं आपको बताऊंगा इसका ये खाना चाहिए कि ना खाना चाहिए, ये थोड़ा सा आप टेस्ट कर सकते हो, ठीक है। ये अच्छा ही है, मैं इतना टेस्टी मैं नहीं कहूँगा। ट्रैवलिंग में आप ट्रैवलिंग में खा सकते हो, लेकिन ज़्यादा मत खाइए, एक दो चीज़ खा सकते हो, लेकिन हम लोगों ने ये सब बिस्कुट नहीं खाते, हम तो नहीं खाते, अवॉइड करके चलते हैं। तो वीडियो बनाने के पहले मुझे थोड़ा सा टेस्ट करवाना कैसा है। ये जीरा राइस है, वन बस जीरा राइस है, तो इसमें जो जीरा है, कुमिन है, थोड़ा सा टेस्ट फ्लेवर तो आना चाहिए। थोड़ा सा इधर में जीरा का भी, डायरेक्ट जीरा का भी इसमें लोगों ने ऐड कर दिया, देखिए ज़ीरा। तो आपको अगर जीरा खाना है तो ये बिस्किट में हम लोगों ने जीरा ऐड करके लगा, तो ये खाओ। आपको अगर अजवाइन खाना है तो अजवाइन का जैसे बिस्किट हम लोगों ने बनाया वो खाओ। आपको अगर पिपरमेंट चाहिए, सब स्पाइस का, सब चीज़ का बिस्किट बनता है, बिस्किट में ऐड करके। आपको अगर अमाउंट खाना चाहिए तो उसके लिए बिस्किट है, आपको अगर नट्स खाना है उसके लिए भी बिस्किट है, आपको अगर कोकोनट भी खाना है उसके लिए भी कोकोनट बिस्कुट है, आपको अगर मिल्क खाना चाहिए तो दूध जैसे पतंजलि का बिस्कुट है। आप अभी क्या किया, पतंजलि और बिस फार्म ने सबको कॉम्पिटिशन में डाल दिया, ठीक है। अभी ये चीज़ बनता है मैदा से, ज़्यादा खाएंगे तो आपका खाने का टेस्ट चला जाएगा, कुछ खाने का मन नहीं करेगा, ठीक है। और जितना भी सारा पैसा है, ज़्यादा खाते रहेंगे तो आपको शरीर घटता चला जाएगा, शरीर में थोड़ा सा प्रॉब्लम तो होगा ही होगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मैंने खाया इसलिए मैंने बताया, ठीक है। ज़्यादा खाओ आप, खुद को ही आपको पता चल जाएगा मैं ठीक कह रहा हूँ कि झूठ कह रहा हूँ। ज़्यादा खाओगे तो थोड़ा सा तो खाना अच्छा नहीं लगेगा, ये सब होगा। तो कंपनी का फ़ायदा होगा और आपको आपका जो पैसा भी बचेगा, और जितना भी पैसा बचेगा वो डॉक्टर के पीछे चला जाएगा, इसलिए इसको थोड़ा सा ना खाओ तो अच्छा है। इसका प्राइस है 30 रुपीज़ और इसका 194 ग्राम है, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ 194 ग्राम है, और ये दो रो में आता है, एक रो मैंने बता दिया और एक रो है अंदर में है, देखिए एक रो अंदर में है और एक रो बाहर में है, बाहर में मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। 194 ग्राम है, इसका प्राइस है 30 रुपीज़ यानी 200 ग्राम का ऐसे करके अप्रोच करके 200 ग्राम का 30 रुपीज़ है, तो 100 ग्राम का हुआ 150 रुपीज़ पर किलोग्राम, क्या हुआ 150 रुपीज़। तो यही थोड़ा सा मैदा को थोड़ा सा बिस्किट बनाकर बेचता है 150 रुपीज़ पर किलोग्राम। ये इसमें भी क्या क्या है वो भी मैं आपको बताऊँगा।
वो भी इसमें देख कर। बेस कंटेंट होता है मैदा और इसमें शुगर भी ऐड किया जाता है, थोड़ा सा हल्का शुगर है, जीरा भी है। तो इस लोगों ने किया कहा। और जो ये बिग्स फार्म है, बिग्स फार्म बंगाल का कंपनी है, कंपटीशन में डाल दिया। थोड़ा सा टेस्ट बहुत ही दूसरे कंपनी से टेस्ट थोड़ा सा ज़्यादा ही अच्छा है, लेकिन पार्ले मुझे बहुत, पार्ले कंपनी ये बहुत ही अच्छा कंपनी है। पार्ले बहुत ही पुराना कंपनी है, बेस्ड ऑन इंडिया, लेकिन पार्ले बहुत ही अच्छा लगता है। वो कुछ कुछ ऐसा प्रोडक्ट है, वो एकदम आज भी वो ऐसा ही प्रोडक्ट है, उसका सुगंध उसका टेस्ट सेम ही रखता है, क्योंकि वो बहुत ही पुराना कंपनी है, वो उसका ट्रेडमार्क होता है। हाँ, ये बिस्किट ये इस कंपनी का ही हो सकता है, जैसे कि ग्लूकोज, ठीक है, पार्ले जी होता है, पार्ले जी जो बच्चा जो खा रहा है तो वो बच्चे को मत भेजिए, नहीं तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा। इंग्रेडिएंट्स क्या है, रिफाइंड व्हीट फ्लोर है, मैदा है, शुगर है, एडिबल ऑयल यानी पाम ऑयल ही होता है, इसलिए ये ड्राइनेस आता है, जैसे कि समोसा फ्राई करते हैं। समोसा अगर मस्टर्ड ऑयल से बनाएगा तो उसके ऊपर थोड़ा सा स्टिकीनेस आ जाएगा। देखिए पाम ऑयल, देखिए पामोलिन, पाम ऑयल, बटर दिया, लिक्विड ग्लूकोज दिया, व्हाइट कुमिन दिया, ये व्हाइट कुमिन दिया, सफ़ेद दिया, ब्राउन नहीं दिया, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ इसमें कौन सा कलर का दिया। ये व्हाइट कलर का दिया, फ्राई करने के बाद ये थोड़ा सा ब्राउन हो गया, देखिए ये थोड़ा सा ब्राउन हो गया। आपको अगर परचेस करेंगे तब आपको देखने को मिलेगा। कालोंजी है, ब्लैक कुमिन है, कालोंजी जैसे आजुइन है, मैंने आपको कहा जो आजुइन चाहिए कालोंजी है, सब कुछ बिस्किट में मिलेगा। मिल्क सॉल्ट है, रेजिंग है, रेजिंग एजेंट है, एसिडिटी रेगुलेटर है, इमल्सीफायर है, ये सब होता है, ड्रॉट कंडीशनर है, डिस्परिंग्स एजेंट है और एंटी ऑक्सीडेंट है, एंटी ऑक्सीडेंट है, इससे बनता है। और इसमें क्या लिखा है, कॉन्टेंट विच शुगर एंड मिल हाइपर सेंसिटिव इंग्रीडियंट्स, जिसको प्रॉब्लम है खाने में, स्टमक में प्रॉब्लम है, प्लीज़ अवॉइड दिस, तो इसको खाना नहीं चाहिए, इसमें लिखा है। देखिए और बिग्स फार्म कस्टमर, देखिए कोलकाता, ये बंगाल का बेस होता है, ये मैंने आपको कह दिया ये खाना चाहिए कि ना खाना चाहिए। हम लोगों ने खाते नहीं, हम लोग कभी कभी खाते हैं, तो हम तो कभी भी नहीं खाते। मैंने खाया आप लोगों को फीडबैक देने के लिए, आपको हेल्थ टिप्स देने के लिए, खाना चाहिए कि ना खाना चाहिए। आप अगर खाओगे तो क्या होगा, सारे पैसा कंपनी प्रॉफिट कर लेगा, और उसके बाद जो आपको थोड़ा सा खाना बचेगा, क्योंकि आपको खाना आपको मन नहीं करेगा, तो जितना भी सेव होगा वो सेविंग डॉक्टर के पीछे चला जाएगा, और डॉक्टर मर्सिडीज बेंस और BMW गाड़ी खरीदेगा। ठीक है, तो आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो, यही था थोड़ा सा हेल्थ बेनिफिट। आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद अ न्यू प्रोडक्ट। बाय बाय।